आप सभी ने अनुभव किया होगा कि 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद आप चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में जाते हैं। सभी के लिए जब आप कॉलेज का पहला और दूसरा वर्ष पूरा करते हैं तो आप सीनियर बन जाते हैं और पहले वर्ष में आने वाले नए छात्र जूनियर होते हैं। इन नए छात्रों को नृत्य, कपड़े उतारना आदि करने को कहा जाता है। इसे रैगिंग के रूप में जाना जाता है। आप इसके बारे में जानते हैं। नए छात्रों से मिमिक्री करवाई जाती है, सीनियर छात्रों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है। इससे पूरी दुनिया में कई छात्र तनाव में हैं। रैगिंग ने अनगिनत जीवन और करियर को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि इसके कारण छात्रों ने आत्महत्या की है, पढ़ाई छोड़ दी है आदि। इसलिए रैगिंग पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज से निलंबित भी किया जाता है। इससे जुड़ा एक व्याख्या उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हल्द्वानी के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के 27 पुरुष जूनियर छात्र हैं। सभी 27 छात्रों के सिर मुंडे हुए थे, उनके हाथ उनकी पीठ पर बंधे हुए थे और वे एक कतार में चल रहे थे। एक गार्ड भी छात्रों को लाइन में खड़ा करता नजर आ रहा था। साथ ही वे डॉक्टर साहब नमस्कार भी कह रहे थे। कतार में लगे इन छात्रों में से कुछ ने लैब कोट और मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनके प्रत्येक का सर मुंडा हुआ था। अविश्वसनीय। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट किया कि यह रैगिंग ही है। कुछ ने सरकारी कॉलेज के प्राचार्य की अज्ञानता पर भी सवाल उठाया। कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने कहा, इस मामले में एक भी शिकायत नहीं आई है, हमें नहीं पता। मुझे लगता है जैसे सेना में भर्ती होने के दौरान सभी छात्रों के बाल एक जैसे छोटे छोटे होते हैं, शायद ये छात्र भी मिलिट्री हेयरकट के साथ कॉलेज में आए हो। जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने रैगिंग के कारण अपना सिर मुंडवाया है, तो उन्होंने कहा नहीं। किसी ने कहा कि गर्मी की वजह से, तो किसी ने डैंड्रफ की समस्या की वजह से। हालांकि यह संभव है कि उन पर इस तरह के कारण बताने का दबाव रहा हो। टीओआई ने छात्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर पाया जाता है कि यह रैगिंग हुई है, तो वे कड़ी सजा और निलंबन की सिफारिश करेंगे। रैगिंग की अनुमति नहीं है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। जब आप किसी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तो इस बात से ना डरें कि आपके साथ रैगिंग की जाएगी। अगर आप में से किसी के साथ भी कॉलेज में रैगिंग होती है, तो आपको प्रिंसिपल से या प्रबंधन से या एंटी रैगिंग सेल, जो एक समिति है जिसे कॉलेज में स्थापित किया जाता है, उससे शिकायत करनी चाहिए। वे दोषियों को पकड़ लेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं।